क्या आपकी भी स्किन ऑयली है और परेशान हो चुके हो ब्रेकआउट से, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी स्किन इंप्रूव कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लम गुडनेस। मेरा नाम है रोहित सचदेवा, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है और मैं रेगुलरली अपने चैनल पे स्किन की वीडियो, हेयर की वीडियो और मेकअप की वीडियो लाता रहता हूँ। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं ना, वो मोस्टली लोगों की स्किन टाइप को बना देता है ऑयली या कॉम्बिनेशन। और ऑयली स्किन का सीधा सीधा मतलब है क्लॉक पोर्स, एक्ने, ब्रेकआउट और फेस पे हमेशा एक गंदी वाली शाइन आ रही होती है जिससे फेस डल हो जाता है। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी ऑयली स्किन का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप हमारे बताए गए ट्रिक्स फॉलो करोगे ना, तो आप अपनी ऑयली स्किन का टेक केयर कर सकते हो और एक ऑयल फ्री, क्लियर और ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो। हमारी आज की वीडियो एक कॉम्बिनेशन रहने वाले, जिसमें हम आपको एक बढ़िया स्किन केयर रूटीन भी बताएंगे फॉर ऑयली स्किन और कुछ स्किन केयर टिप्स भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। स्टेप नंबर वन, फेस क्लेंजिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, फेस क्लेंजिंग इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। वो आपके फेस से जितना भी डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, ऑयल होता है, उसको प्रॉपरली रिमूव कर देता है और आपको देता है एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन। और इसके लिए सबसे बेस्ट है प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश। दिस इज बाय फार द बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। ये आपके पोर्स को प्रॉपरली क्लेंज करता है, जितना भी ऑयल होता है, डर्ट होता है, उसको खींच लेता है। साथ में इसके अंदर डाला गया है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपको देता है एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन। स्टेप नंबर टू, फेस टोनिंग। फेस टोनिंग एक बाय फार द मोस्ट निगलेक्टेड स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन का। बट अगर आपकी स्किन ऑयली, आप गलती से भी फेस टोनिंग मिस नहीं कर सकते। जब भी आप फेस वॉश करते हो, एक टोनर उसके बाद लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एक टोनर मेक श्योर करता है आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हेल्दी रहे और आपके फेस पे जल्दी से ऑयल ना आए। मैंने जैसे कि बताया, ऑयली स्किन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक तो ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है, तो एक टोनर जल्दी से ऑयल नहीं आने देता और दूसरा आपके एक्ने और ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करके रखता है। यूजेज की अगर मैं बात करूं, आपने कॉटन वूल पैड लेना है, उसमें थोड़ा सा टोनर लगाना है और डैब डैब करके अपने फेस पे लगा लो। जितना भी एक्स्ट्रा उसको वाइप ऑफ कर दो, बाकी अपनी स्किन में जाने दो। आपने एक टोनर लगाने के बाद कभी भी अपने फेस को वॉश नहीं करना होता। स्टेप नंबर थ्री, फेस सीरम्स। फेस सीरम्स आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उसके टोटल दो रीज़न है। सबसे पहले, फेस सीरम तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और जल्दी से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा फेस सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे वेरियस स्किन कंसर्न को जल्दी से सॉल्व कर देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है प्लम का ग्रीन टी प्लस जिंक कॉम्प्लेक्स फेस सीरम। ये फेस सीरम आपके फेस पे ऑयल को कंट्रोल करके रखता है, फ्यूचर एक्ने ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है। साथ साथ अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स है, उनको टाइटन अप करने का काम करता है। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें, बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, जल्दी से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। हर स्किन टाइप पे परफेक्टली सूट करने वाला है, एक सूदिंग सा इफेक्ट देगा आपकी स्किन में और बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा अगर आपकी स्किन ऑयली है। स्टेप नंबर फोर, मॉइस्चराइजिंग योर फेस। अब ये गलत फहमी में तो बिल्कुल ही मत रहना कि मेरी तो स्किन ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है। आपकी स्किन ड्राई हो या हो ऑयली, हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर आपके फेस पे प्रॉपर मॉइस्चर देने का काम करता है, पर बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, बल्कि आपके फेस को ऑयल फ्री रखने का काम करता है। इसके मैं मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो एक तो है नायसिनमाइड, जो आपको एक क्लियर स्किन देने का काम करता है। दूसरा है हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके फेस पे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। टेक्सचर बिल्कुल नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है और जल्दी से आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसका एक और फायदा होता है, जितने भी हमने अभी तक स्किन केयर स्टेप्स फॉलो करे हैं ना, ये उसकी सारी गुडनेस को लॉक करके रखता है और आपकी स्किन को इतना स्ट्रांग बनाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको फर्क ही ना पड़े। और यही खत्म होता है हमारा डे टाइम स्किन केयर रूटीन। जितना जरूरी डे टाइम का स्किन केयर रूटीन होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है नाइट टाइम का रूटीन। उसका रीजन ये है, जब हम बाहर रहते हैं ना, बहुत सी चीज़ों से हमारी स्किन एक्सपोज होती है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, डर्ट हो गया, जो हमारी स्किन में सेटल डाउन हो जाता है। तो हमारे को बहुत ज़रूरी होता है हम उसका इफेक्ट रिवर्स करें और रात के वक्त हमारी स्किन का रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस भी शुरू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के साथ। सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश करना है, वही फेस वॉश आपने यूज़ करना है जो आपने डे टाइम में करा है। बट अगर आपने मेकअप वेयर किया है, तो सबसे ज़रूरी है पहले आप अपने मेकअप को रिमूव करना है। एक क्लिनजिंग बाम सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज वो आपके फेस से मेकअप को तो हटाता है, बट आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। जैसे आप मेकअप हटा लो, उसके बाद आपने फेस वॉश करना है, ताकि आपके फेस की डबल क्लिनजिंग हो जाए। और इसके बाद आप अपने अप्लाई करना है टोनर, जो आपके फेस का पीएच बैलेंस हेल्दी रखेगा। अब जब आप टोनिंग कर चुके हो, इसके बाद आपने लगाना है एक नाइट सीरम। नाइट सीरम मेक श्योर करता है आपकी स्किन क्लियर रहे और ग्लोइंग रहे जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो।
अब इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लम का राइस वाटर एंड 10% नायसेनामाइड फेस सीरम। इसके दो मेजर इंग्रेडिएंट हैं, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है। एक है राइस वाटर, जो आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने का काम करता है। राइस वाटर हमारी स्किन के लिए किसी वंडर इंग्रेडिएंट से कम नहीं है, हमारे फेस को क्लियर और ग्लोइंग रखता है। इसके साथ साथ इसके अंदर डाला गया है नायसेनामाइड, ऑल्सो नोन एज विटामिन B3, जो हमारे को एक क्लियर स्किन देने का काम करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने के निशान है, ब्लेमिशेस के निशान है, उसको फेड करने का काम करता है। और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो, आपको मिलती है एक स्मूथ और ऑयल फ्री स्किन। हमारा फाइनल स्टेप रात का रहने वाला है एक नाइट जेल। वैसे तो नाइट क्रीम के फायदे आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है एक नाइट जेल। और उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लम की ग्रीन टी नाइट जेल। उसका रीजन यह है, जो एक जेल फॉर्म होता है ना, वो बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं होता और आपकी स्किन को बिल्कुल ही इरिटेट नहीं करता। इसके अंदर डाला गया है ग्रीन टी और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो आपके फेस पे बढ़िया वाला ग्लो देने का काम करता है। रात भर में आपकी स्किन का रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है, और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो, जितनी भी गुडनेस हमारी स्किन केयर रूटीन की हुई है, उसको सील कर सुबह के वक्त आपको क्लियर, ऑयल फ्री और ग्लोइंग स्किन देता है। और यहीं खत्म होता है हमारा डे टाइम का भी स्किन केयर रूटीन, नाइट टाइम का भी स्किन केयर रूटीन। अब बारी आती है वीकली रूटीन की। वीकली के लिए आपके पास टोटल दो ऑप्शन है। आप एक तो यूज कर सकते हो ग्रीन टी का फेस मास्क। एक फेस मास्क मेक श्योर करता है आपका फेस पे ऑयल कंट्रोल रहे और एक्ने ब्रेकआउट बिल्कुल भी ना हो। जो प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क है, इसके कई बेनिफिट्स हैं। मैं आपको एक आसान सा हैक बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। अगर आपका कोई एक फ्रेश एक्ने या एक्ने ब्रेकआउट हो गया, आप वहां पे प्लम का ग्रीन टी मास्क लगा सकते हो और ये स्पॉट करेक्टिंग का काम भी करेगा। कोई भी ब्लेमिश का निशान हो गया, वहां भी लगा सकते हो, ये स्पॉट करेक्टिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है, वो है केमिकल पील, जो कि आता है प्लम का ग्रीन टी के साथ। केमिकल पील क्या करता है, आपके स्किन के सेल्स के साथ रिएक्ट करता है और एक्सफोलिएशन का काम करता है। एक्सफोलिएशन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसका ये रीजन होता है, हमारी जो स्किन है ना, वो रेगुलरली सेल्स को शेड करती है, तो अगर वो हमारी स्किन से हटते नहीं है तो हो जाते हैं क्लॉग पोर्स। तो आपको ये केमिकल पील बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। जितना भी डेड स्किन आपका कलेक्ट हो गया, उसको हटाने का काम करेगा और आपको रिवील करके देगा क्लियर, ग्लोइंग और ऑयल फ्री स्किन। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा स्किन केयर रूटीन। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मैं आपको कुछ बेसिक स्किन केयर टिप्स बताता हूँ फॉर ऑयली स्किन। सबसे पहले तो जब आपके फेस पे एक फ्रेश एक्ने आता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है और एक अर्ज होती है मैं इसको पॉप आउट कर दूं, ये गलती कभी भी मत करना। वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पॉट में और क्या पता वो परमानेंट रह जाए आपकी स्किन में। सेकेंड गलती जो लोग करते हैं, कभी भी अपने हाथ से अपने फेस को टच मत करो, स्पेशली विद डर्टी हैंड्स। जब आप टच करते हो ना, जितना भी डर्ट और पॉल्यूशन आपके हाथ पे लगा होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है आपकी स्किन में और बहुत बड़ा रीजन बन जाता है क्लॉग पोर्स का और एक्ने ब्रेकआउट्स का। टिप नंबर 3, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन में 4 बार फेस वॉश कर लूंगा तो उसका कोई फायदा होने वाला, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको मैक्सिमम दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए, एक सुबह के वक्त और रात के वक्त। ओवर फेस वॉश करने से कभी आपकी स्किन को फायदा नहीं होने वाला। टिप नंबर 4, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर प्रेशर लगाओगे तो आपके एक्ने हट जाएंगे, एक्ने के निशान हट जाएंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। आपको बहुत जेंटल रहना है जब जब आप फेस वॉश करते हो। माइल्डली सर्कुलर मोशन में अपना फेस वॉश करो और आपका फेस बिल्कुल ही क्लियर और ग्लोइंग रहेगा। तो यहीं खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो स्पेशली बनाई गई थी ऑयली स्किन के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।